गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंचतरणी। हम निकल चुके हैं बाबा जी की यात्रा के लिए, होली केव के लिए पंचतरणी से। और यहाँ का नज़ारा देखिए, और हमें अभी चढ़ के वहाँ जाना है ऊपर। यहाँ ऊपर हर हर महादेव, बम बम भोले। बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप सबके लिए। ये है बाबा अमरनाथ जी की गुफा, और बाजू में जो झरना आ रहा है यहीं से आपदा आई थी। ये देखिए आपदा का हाल, अभी भी फौजी भाई लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ है यहाँ पे, कई टेंट, ये मनसा वालों का भंडारा जो तहस नहस हुआ। पूरा रास्ता तहस नहस हो चुका है। आर्मी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, ये रास्ता बालटल को जा रहा है जो कि बहुत ही पतला और सरकरा है। वो रास्ता जहाँ से हम सुबह आए थे पंचतरणी की ओर जाता है। जय माता की। अनुशासन को बनाए रखिए, सिंगल चलिए। ये है संगम, और ये उधर से पहलगाम के लोग आ रहे हैं। ये बालटल को जाता है ऊपर की तरफ, और वो सामने बाबा अमरनाथ जी की गुफा है। ना नजारा बहुत अच्छा। रास्ते में कई तरह के भंडारे पड़ते हैं जहां आप खाने का लुफ्त ले सकते हैं। बालटल का सारा अधिकतर रास्ता ऐसा ही है, एकदम ढलान से भरा। मेरी अपनी सलाह ये होगी कि कोई भी सज्जन बालटल के रास्ते से ना चढ़े, पहलगांव से चढ़े और बालटल से उतरे। अगर किसी के पास समय कम है तो बालटल से घोड़ा कर सकता है। बाकी सारी चढ़ाई है बालटल की तरफ, उतरने के लिए ढलान है। मौसम कितना सुहाना हो गया है, बस घंटे भर में हम
बालटेल डोमेल जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ पहुँच जाएंगे। डोमेल का फर्स्ट व्यू आप लोगों के लिए। हम नीचे लगभग उतर आए, बस ये जरा सी ढलान रह गई है, उसके बाद ये सामने आपके डोमेल है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम बालटल। अभी हम हैं बालटल में और नीचे उतर आए, हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हो गए बाबा की कृपा से। अब हमें यहाँ से जाना है पहलगाँव, लेकिन पहलगाँव एक्चुअली लगेज वगैरह सारा वहीं है, तो पहलगाँव बालटल से पहलगाँव का इस टाइम कोई साधन नहीं था, तो सुबह 4-5 बजे साधन जाएगा, सुबह देखेंगे और सुबह जाएंगे, 4-5 घंटे में पहलगाँव पहुँच जाएंगे, उसके बाद शायद फिर उसके बाद अपन मतलब शायद क्या उसके बाद अपन को श्रीनगर ही जाना है। सो हमने एक छोटा सा भी टेंट ले लिया है 300 रुपये में। देखिए एक ओवरव्यू कराता हूँ आपको। देखा आपने, तो इस तरीके से 300 रुपये, 350 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये, मतलब आपको टेंट मिल जाते हैं अच्छे रहने के लिए, और जैसे आप चाहें वैसे रह सकते हैं। बाकी बाबा की कृपा से अच्छे दर्शन हुए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग कल सुबह, और कल सुबह नहीं तो पहलगाँव में डायरेक्ट, बाकी क्योंकि बैटरी वगैरह कम है, चार्जिंग की दिक्कत है यहाँ पे, इस वजह से चार्ज नहीं हो पा रहे हैं सारे गैजेट वगैरह, मोबाइल वगैरह। बाकी ठीक है, मिलते हैं आपको कल, बाय।